जिन लोगों का जन्मदिन 3 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप करियर के उतार चढ़ाव से बचने का प्रयास करिए। धन और निवेश के मामले में, पैसे और इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधानी रखिए। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। नवंबर के महीने से आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अगर पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई घर शुभ या अशुभ होता है? देखिए, कोई भी घर शुभ या अशुभ नहीं होता। घर में रहने वाले लोगों के संस्कार उसे शुभ या अशुभ बना देते हैं। घर में उल्टे सीधे काम होंगे, घर में कलह कलेश होगा, ऐसा घर अशुभ हो जाएगा। अगर घर में अशुभता रहती हो तो घर में निरंतर कीर्तन करें, भजन करें, ऐसा करने से घर की अशुभता समाप्त हो जाएगी। अगर नौकरी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा हो, आप टर्मिनेट हो गए, आपको हटा दिया गया, कोई नौकरी में आपको पेंशन नहीं, प्रमोशन नहीं, कोई मुकदमा चल रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम एक विशेष मंत्र का हनुमान जी के सामने 108 बार जप करिए। मंत्र होगा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र रोज सुबह शाम पढ़िए और हर शनिवार को निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की वस्तु का दान करिए। आपकी नौकरी के मुकदमे की जो मुश्किल है वो अवश्य ही दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आप मन और आत्मा दोनों की शुद्धि चाहते हैं, खास तौर से अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं, तो व्रत रखकर मौन रह करके मंत्र जप करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो उस दिन मौन रहिए और निरंतर मंत्र का जप करिए। आपके मन की शुद्धि होगी और आपका मन निरंतर पवित्र होता चला जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।